जय श्री कृष्णा। आज हम इस वीडियो में अति पावन और अत्यंत फलकारी अचला एकादशी की कथा सुनेंगे। कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण जी के कहने पर पांडवों ने इस एकादशी व्रत को किया था और मनुष्य इस व्रत के करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। अब आपको अति फलकारी एकादशी व्रत कथा बताती हूँ, ध्यान पूर्वक सुने और सुनने से पहले कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। कथा शुरू करने से पहले गणपति जी को और गुरुदेव जी को नमन करते हैं। बोलो गणपति महाराज की जय, बोलो गुरुदेव महाराज की जय, हरे कृष्णा हरे रामा। एक समय अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा, हे प्रभु, हे भगवान, ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम महात्यम क्या है? इस व्रत को करने की क्या विधि है? कृपया करके यह सब मुझे विस्तार से कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, हे कुंती नंदन, ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी अपार धन और पुण्यों को देने वाली तथा सभी पापों को नष्ट करने वाली है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्महत्या, भूत योनि, दूसरों की निंदा आदि से उत्पन्न पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, स्त्री गमन, झूठी गवाही, असत्य भाषण, झूठा वेद पढ़ना, झूठा शास्त्र बनाना, ज्योतिष द्वारा किसी को भरमाना, झूठा वैद बनकर लोगों को ठगना आदि सब पाप अपरा एकादशी के व्रत से नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध क्षेत्र से भाग जाए तो नरक को जाता है, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से उसे भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य गुरु से विद्या ग्रहण करते हैं परंतु बाद में उनकी निंदा करते हैं तो वह अवश्य ही नरक में जाते हैं, वह भी अपरा एकादशी का व्रत करने से स्वर्ग चले जाते हैं। जो फल तीनों पुष्करों के स्नान करने से या कार्तिक माह में स्नान करने से अथवा गंगा जी के तट पर पितरों का पिंडदान करने से मिलता है, वह अपरा एकादशी का व्रत करने से मिलता है। सिंह राशि वालों को बृहस्पति के दिन गोमती में स्नान करने से, कुंभ में श्री केदारनाथ जी के दर्शन करने से तथा बद्री काश्रम में रहने से तथा सूर्य चंद्र ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो फल मिलता है वह अपरा एकादशी के व्रत के बराबर है। हाथी घोड़ों के दान से तथा यज्ञ में स्वर्ण दान से जो फल मिलता है वह फल अपरा एकादशी के व्रत के फल के बराबर है। गो व भूमि या स्वर्ण के दान का फल भी इसके फल के बराबर है। यह व्रत पाप रूपी अंधकार के लिए सूर्य के समान है। अपरा एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए, जिससे अंत में विष्णु पद की प्राप्ति होती है। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय, बोलो एकादशी माता की जय। अतः ये थे अत्यंत फलदायी एकादशी व्रत कथा, जिसको सुनने से हम सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। जय श्री कृष्णा, जय हो एकादशी माता। जिसने भी मन से यह कथा सुनी है वो इस वीडियो को लाइक जरूर करे, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।